कैसे होंगे। आज की जो वीडियो है वो है शिफ्ट क्रिया। अगर आप लोग ने जो पेपर दिया है ना, ये पेपर है 13 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में जो 13 13 जो डेट थी उसको जो हेल्ड हुआ था पेपर, और ये शिफ्ट थर्ड शिफ्ट है जो 3 बजे पेपर हुआ है, ठीक है। ये हम पेपर करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको कंप्लीट पेपर बताऊंगा, और मैंने जो इसके एमसीक्यूज से जो आंसर लगाए हैं वो तकरीबन आल के आल एमसीक्यूज के आंसर ठीक हैं, ठीक है। अगर एक दो मैं आपको बता दूंगा जो इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी तमाम एमसीक्यूज बिल्कुल परफेक्ट हैं। ओके, चलें इससे पहले हम इसके आंसर देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और क्योंकि इस पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ना डेली बेसिस पर, और जो भी पेपर के जैसे कोई भी टेस्ट आ रहा है तो मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगा इस चैनल पर। ओके चलें, ठीक है, हम देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ इसे पीडीएफ फॉर्म में भी आप हासिल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आंसर्स आपको देखने होंगे क्योंकि कीज़ मेरे पास जो हैं वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। आप रजिस्टर या पेंसिल लेकर बैठ जाएं, या मोबाइल में इसके साथ साथ कीज़ लिखते जाएं। मैं आपको कीज़ बताता जाता हूँ और क्विकली क्विकली बताऊँगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट एम सी क्यूज है, चूज़ द राइट एंटोनियम फॉर ऑब्लिवियस। इसका जो फर्स्ट जो एम सी क्यूज है इसका एंटोनियम क्या है? फर्स्ट एम सी क्यूज का बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये लिखा भी होगा कॉन्शियस, चूज द राइट एंटोनियम फॉर एक्सेप्टिंग, ठीक है। इसका राइट सेकंड का जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक है, फैमिलियर। थर्ड है, चूज द राइट एंटोनियम फॉर ओपेक। ओपेक जो है थर्ड एम सी क्यूज का जो राइट आंसर है वो है ए, ट्रांसपेरेंट। चूज द राइट सिनोनियम फॉर बेवल, इसका जो राइट आंसर है फोर का ए है, ठीक है, फ्लोर। तो अगर आपने एम सी क्यूज के टिक लगा लिए तो हम नेक्स्ट चलते हैं। आप मेरी वीडियो को रोककर भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चूज द राइट सिनोनियम फॉर कंजेंशन, जो एमसीक्यूज 5 है इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, बी। ओके, ठीक है। इसी तरीके से 6 एमसीक्यूज हमारे पास है, चूज द राइट सिनोनियम वैलो। 6 एमसीक्यूज इसका राइट आंसर इसका भी बी है, स्टम्बल। चूज द राइट सिनोनियम फॉर सॉर्डिड। 7 एमसीक्यूज का राइट आंसर है सी, डिस्गस्टिंग। चूज द राइट सिनोनियम फॉर स्टारवर्ड। 8 एम सी क्यूज का राइट आंसर है ए, स्ट्रॉन्ग। चूज द राइट सिनोनियम फॉर्मिडेबल। 9 का जो राइट आंसर है वो 9 का डी है, ठीक है, ड्रेडफुल। वट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कास्ट अ स्लर अपॉन, जो 10 एम सी क्यूज है इसका राइट आंसर ए है, टू डैमेज। ओके, अगर आपने एम सी क्यूज के लगा लिए तो हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एडियम टू किक द बकेट। 11 का एमसीक्यू का राइट आंसर बी है, टू डाई। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एडियम अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। 12 जो एमसीक्यू है इसका राइट आंसर है ए, अ माइसरी मैन, ए इसका राइट आंसर है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ही सेड टू मी, डू यू हैव अ पेन। 13 एमसीक्यू का जो राइट आंसर है वो ए है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड अ पेन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ शी सैड टू मी, वैन डू यू वेक अप। 14 जो एम सी क्यू का राइट आंसर ए है, शी आस्क मी वैन आई वॉक अप। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ही सैड टू मी, हु आर यू। 15 एम सी क्यूज का जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक है, ही आस्क मी हु आई वॉज। द पैसिव वॉइस ऑफ रैले अपॉन यूर फोर्सेज। 16 एम सी क्यूज का राइट आंसर है वो बी है, लेट यूर फोर्सेज बी रैलीड अपॉन। नेक्स्ट हमारे पास जो 17 एम सी क्यूज है, द पैसिव वॉइस ऑफ नंबर नो, द पैसिव वॉइस ऑफ नो वन नोज द माइस्ट्री ऑफ डेथ इज। 17 एम सी क्यूज का राइट आंसर है वो ए है, द माइस्ट्री ऑफ डेथ इज नॉट नो टू एनी वन। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। 18 एम सी क्यूज द पैसिव वॉइस ऑफ अ ट्रक हैज रन ओवर अ पपी इज। 18 एम सी क्यूज का राइट आंसर सी है, अ पपी हैज बीन रन ओवर बाय अ ट्रक। द वर्कर्स कॉल डैस्ट स्ट्राइक आफ्टर एग्रींग सम टर्म्स। 19 एम सी क्यूज का जो राइट आंसर है वो डी है, ऑफ ऑन सारी कम्स डैश अ नोबल फैमिली एंड इज पॉपुलर एंड हिज फ्रेंड्स। 20 जो एम सी क्यूज है इसका जो राइट आंसर ए है, 20 एम सी क्यूज का। फ्रॉम इन ही कंप्लेन डैश द चेयरमैन एंड माई फ्रेंड। 21 एम सी क्यूज का जो राइट आंसर है वो सी है, टू अगेंस्ट। He is repenting dash science. 22 MCQs का राइट आंसर है C, off. ओके, इसका राइट आंसर off है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर।
ही वाज ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस अ वेकेंट पोस्ट। 23 का जो राइट आंसर है वो डी है, 23 का 4। ओके प्लीज लुक डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। 24 का जो राइट आंसर है वो डी है, 24 का भी राइट आंसर डी है। अब ही टॉट इन दिस स्कूल फॉर टू डिकेड्स द ऑब्जेक्ट हेयर इज, जो इसमें ऑब्जेक्ट है ये 25 एमसीक्यूज मुझे बस एक कंफर्म नहीं है, लेकिन आप फिर भी मैंने इसका इन दिस स्कूल इसका मैंने लगाया है, लेकिन आप इसको कंफर्म करें 25 जो एमसीक्यूज है, ठीक है, इसे आपने कंफर्म करना है। वी यूजली पुट अ डैश बिफोर अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। 26 एमसीक्यूज है, इसका जो राइट आंसर है ए है, कोमा, ठीक है, कोमा। ये कमिट में मुझे बताएं 24 एमसीक्यूज का आंसर क्या है, ठीक है, 26 का ए कोमा है, ठीक है। चलें नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ही 27 एमसीक्यूज है, ही सेपरेट द मैट ऑन द ग्रास, दिस सेंटेंस शोज। 27 जो एमसीक्यूज है हमारे पास, इसका राइट आंसर सी है, पास्ट इंडेफिनिट, शी वॉक्स लाइक हर मदर इन दिस सेंटेंस वी फाइंड। 28 एमसीक्यूज का जो राइट आंसर है वो है सी, सेमिल इसे पढ़ेंगे, ठीक है, द वाइंड होवल इन द राइट इन दिस सेंटेंस वी फाइंड, ठीक है। जो 29 एमसीक्यूज है हमारे पास, इसका राइट आंसर है परसोनिफिकेशन, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, व्हाट इज सेल्डम इन दिस सेंटेंस। 30 जो एमसीक्यूज है, इसका राइट आंसर डी है, 30 का एडवर्ब, ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 31 एमसीक्यूज है, इसका राइट आंसर ए है, ही वुड रेदर डाई देन सराउंडर, ठीक है, इसका राइट आंसर ए था। ओके नेक्स्ट है 32, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 32 एमसीक्यूज है, इसका जो राइट आंसर है वो मतलब के नहीं मुझे कंफर्म हुआ, लेकिन इसका राइट आंसर मैंने तो ए ही मतलब के आईडी है मेरा, लेकिन आपने एक 32 एमसीक्यूज एक पहले मैंने बताया, ये 32 एमसीक्यूज, ये दो एमसीक्यूज हैं जो मतलब के इनके आंसर कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म करेंगे, ठीक है, दो एमसीक्यूज ऐसे हैं, बाकी तमाम के एमसीक्यूज के जो निशान है वो कंफर्म है, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 33 एमसीक्यूज का जो राइट आंसर है वो सी है, नाइदर ही ईट्स बीफ नॉर राइस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 34 एमसीक्यूज का जो राइट आंसर है वो सी है, ऑफ दिस टू डॉटर्स द यंगर इज द टॉलर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। इसी तरह हमारे पास 35 एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 35 एमसीक्यूज के जो राइट आंसर है वो इसका भी सी एमसीक्यूज है, ऑफ वेल्थ एंड हुनर द लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके ये हो गया 35 एमसीक्यूज, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 36 एमसीक्यूज का जो राइट आंसर है वो डी है, 36 का, मुस्लिम्स रिसाइट द होली कुरान, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 37 जो एमसीक्यूज हमारे पास है, 37 इसका राइट आंसर हमारे पास ए, इफ द इनवाइट्स मी आई शैल गो देयर, ठीक है, यहाँ तक हो गया 37 एमसीक्यूज हमारे कवर हो गए। चलें नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस। 38 जो एमसीक्यूज है, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, If he disobeys me, he will transfer to Multan. Choose the correct sentence. 39 जो MCQs है, इसका जो right answer बनता है वो D है, He bought 2 dozen of eggs. ठीक है, जो इसी तरह 40 MCQs हमारे पास है, 40 का जो right answer है, choose the correct sentence. A है इसका 40 MCQs. Only the warrior knows where does the shoes pinches. ठीक है, shoe pinches. ठीक है, इस तरह which tax was imposed as jizya ऑन द नॉन मुस्लिम। ठीक है, जो 41 एमसीक्यूज है, इसका राइट आंसर है बी है, द टैक्स इन रिटर्न फॉर देयर प्रोटेक्शन, व्हाट इज मीन बाय सई। 42 एमसीक्यूज का जो राइट आंसर है वो सी है, टू कंप्लीट 7 राउंड्स बिटवीन सफा एंड मरवा, हाउ मैनी महाजरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मवाखात। 43 एमसीक्यूज का राइट आंसर है वो सी है, 45, ठीक है, 45 का राइट आंसर है, Who resembled the Holy Quran? 44 MCQs का जो right answer है वो D है, हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। Which of the following is the present tartib of the Holy Quran? जो 45 MCQs है हमारे पास, इसका right answer है A, तुफिकी। How many tribes of the Jews were there in Medina? इसका right answer है B, 46 का मेरे पास right answer B है, ठीक है। Who compiled किताबुल असार? 47 MCQs है, इसका जो right answer वो A है, इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, व्हाट डिड बैतुल रिजवान टेक प्लेस? बैतुल रिजवान हुआ था। 48 का जो एमसीक्यूज है वो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, हुदैबिया पर। इन हज द टचिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड इस्तलाम, ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। 49 एमसीक्यूज का इसका राइट आंसर बी है, ये आपको पता होगा 49 का तो। ओके 50 विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज नोन एज
उरूसुल कुरान जो 50 MCQs है, इसका राइट आंसर हमारे पास डी है, ठीक है। अल सूरत रहमान को हम कहते हैं, ठीक है, उरूसुल कुरान। नेक्स्ट है, विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ नोन एज उमुल कुरान, उमुल कुरान हम किसे कहते हैं। 51 MCQs का जो राइट आंसर है वो डी है, अल सूरह फातिहा। फर्स्ट सूरत को कहते हैं, कुरान पाक की पहली सूरत को कहते हैं उमुल कुरान, जो कि अल फातिहा पहली की सूरत है। विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ नोन एज अहसनुल कसास, 52 MCQs का राइट आंसर बी है, अल यूसुफ। द कमांडर इन चीफ ऑफ नॉन मुस्लिम इन द बैटल ऑफ बदर वास अबू जहल, जो जंग बदर का था जो कमांडर, वो जो दुश्मनों की तरफ से जो कमांड कर रहा था वो अबू जहल था, बी इसका राइट आंसर है। द कमांडर इन चीफ ऑफ नॉन मुस्लिम इन द बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ ओहद में अबू सुफियान, यानी कि 54 जो MCQ इसका राइट आंसर ए है। द कमांडर इन चीफ, सॉरी कहाँ चले गए हम लोग, हमारे पास 55 द कमांडर इन चीफ ऑफ नॉन मुस्लिम इन द बैटल ऑफ ह्यूमन सॉरी बैटल ऑफ हुनैन वास, ठीक है, बैटल ऑफ हुनैन में जो नॉन मुस्लिम को लीड कर रहा था वो कौन था, जो उनका सरबरा था। 55 MCQ का सी इसका राइट आंसर है, मालिक बिन ऑफ, ठीक है। हाफ ऑफ अ बाइट इज कॉल्ड निबल, इससे बी इसका राइट आंसर। 56 का राइट आंसर बी है, हाउ विल MS वर्ड रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ अ रिपीटेड वर्ड। 57 MCQ का जो राइट आंसर वो सी है, अ रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की इज यूज MS वर्ड टू मूव द कर्सर। 58 MCQ का जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक है, द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इतना है, विच ऑफ द की आर यूज इन MS एक्सेल इंसर्ट करंट टाइम, करंट टाइम के लिए 59 MCQ का राइट आंसर सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन लिखा हुआ, ठीक है। विच ऑफ द की, विच ऑफ द दीज कीज आर यूज इन MS एक्सेल टू कॉपी फार्मूला फ्रॉम अबव सेल्फ। 60 MCQ है, इसका राइट आंसर हमारे पास डी है, कंट्रोल प्लस, और ये यहाँ पर कॉमन है। इन अ कंप्यूटर सेपरेट शीट सेल रेंज A3 थ्रू G3 विल बी कीड एज, 61 जो MCQ है इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, A3 G3। व्हाट इज द शॉर्टेड की फॉर थाइशर, जो 62 MCQ है इसका राइट आंसर सी है, शिफ्ट प्लस F7। पेंटियम इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो 63 MCQ है, 63 जो MCQ है उसका राइट आंसर क्या है, बी है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, लगा लिया 63 MCQ का, बी इसका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट चलें फिर हम लोग, हमारे पास जो व्हाट आर द कीज टू मार्क सिटीजेशन इन MS वर्ड, 64 MCQ है जो हमारे पास, उसका राइट आंसर हम देखेंगे। 64 का है आर्ट प्लस शिफ्ट, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ A4 साइज पेपर आर, 65 जो MCQ है, 65 MCQ का इसका राइट आंसर है सी है, 210 प्लस 297, ठीक है। विच इज द वार्मेस्ट ओशियन, 66 MCQ का जो राइट आंसर है वो है ए, अ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इन पाकिस्तान एयरफोर्स द नेक्स्ट रैंक टू विंग कमांडर इज, 67 MCQ है, इसका जो राइट आंसर डी है, एयर कमांडर, ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोर्सेस शुगर इज, 68 जो MCQ हमारे पास है इसका राइट आंसर है 68 का ए है, C12 S22 O11, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश केसेस कॉजेस लूजेस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ, जो 69 MCQ है इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, जिंक है, ठीक है। 69 MCQ का, वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, वाटर कवर करता है अर्थ सरफेस को, 70 MCQ का जो राइट आंसर है वो बी है, 71%, ठीक है, 71%, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन की इसका डी आंसर है, ठीक है, 71 MCQ का। द फर्स्ट ऑपरेशन इन स्वात इन 2007 अगेंस्ट टेररिस्ट वाज कॉल्ड, 72 MCQ का राह हक है, ठीक है। ईस्ट लंदन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री, जो ईस्ट लंदन है सिटी है जो ईस्ट, 73 MCQ का जो राइट आंसर है वो बी है, साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है। द नेम ऑफ US फर्स्ट लेडी, US फर्स्ट लेडी जिल बेडन जो है इसका राइट आंसर 74 का सी है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स इज, 75 MCQ का जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है, 11 इसका राइट आंसर है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 76 जो MCQ हमारे पास का राइट आंसर बी है, 5.5। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज, 77 MCQ है इसका राइट आंसर हमारे पास ए है, 10। A complete a work in 10 days, B is in 15 days. If they work together, how much share will
विल ए गेट आउट ऑफ 75। फिर जो 78 एमसीक्यूज़ है इसका राइट आंसर सी है। 78 एमसीक्यूज़ का अ वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ़ बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज ए एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन डैश डेज। 79 एमसीक्यूज़ का जो राइट आंसर है 4 डेज। ठीक है, इसका जो 79 एमसीक्यूज़ है इसका राइट आंसर क्या है 4 डेज। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है 80। ए एंड बी कैन मेक अ वॉल इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड डी इन 20 डेज। ए कैन मेक द सेम वॉल। 80 जो एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर बी है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर किसका है। 81 जो एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर है बी है, मोमिन खान मोमिन, मोती जैसे दांत। 82 एमसीक्यू उसका राइट आंसर ए है, तशबी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अकेला चना। 83 एमसीक्यू उसका राइट आंसर इसका भी ए है, क्या भाड़ फोड़ेगा। 84 किस गैर जुबान के लफ्ज को उर्दू बना लेने को कहते हैं। 84 एमसीक्यू उसका राइट आंसर बी है, तफरीज। पूरे शहर में इस डैश की है, इसका तोती बोलता है। 85 एमसीक्यू उसका जो राइट आंसर है वो ए है, उर्दू में बशमूल हमजा हमजा या हमजा लिखा हुआ। हरूफ अमजद के दर कितने हैं, 37 हैं। ज़रर की जमा है इजरार, ए यानी कि जो 87 एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, इस्तारा की लफ्वी मायने क्या है, उधार देना। 88 एमसीक्यूज का राइट आंसर बी है, रबाई के कौन कौन से मिसरे हम काफ़ी होते हैं। 89 एमसीक्यूज का राइट आंसर है डी है, पहला दूसरा और चौथा। दांतों पसीना आना मुहावरा है, इसका मतलब है 90 जो एमसीक्यूज है इसका राइट आंसर है बहुत मेहनत करना है। ठीक है, 90 एमसीक्यूज हो गए हमारे, जस्ट 10 एमसीक्यूज आ गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया डैश के घोंसले मांस कहाँ आया, चील है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है, ये गार डैश है, ये गार कितना लंबा है, ए इसका एमसीक्यूज है। ठीक है, इसने जो इसने खेल ताश खेला। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। दौलत की जमा, दौलत की जमा क्या है, दोल है। 94 एमसीक्यूज का जो राइट आंसर है वो है ए, दोल। ठीक हो गया, आ के करीब रखते ही मोम पिघल गया, क्या हो गया। 95 एमसीक्यूज का बी ही इसका राइट आंसर है, मैंने लोकार्ड धोकर 96 एमसीक्यूज का खाया। ठीक है, क्यों खाया, इसका आंसर खाया क्यों है, क्योंकि ये मुजक्कर है लोकार्ड। ठीक है, मुजक्कर लोकार्ड, मुजक्कर मोनस नहीं है। इसका 97 जो एमसीक्यूज है इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो डी है, खौफजदगी। मेरी खोर आ रही है, मैं वजह जामे की निशानदेही करें। 98 एमसीक्यूज का जो राइट आंसर है वो खूबसूरती है। ठीक है, 98 का खूबसूरती। तशबी किसी जुबान का लफ्ज़ है, जो 99 है इसका राइट आंसर है ए, तशबी अरबी जुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट मेरे पर लास्ट है, जान दी हुई इसकी थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, ये तो बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर बी है, मिर्ज़ा गालिब। तो ये 100 एमसीक्यूज थे। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने अगर कर लिए तो गुड हो गया, आप चेक कर लें। इसमें सिर्फ 2 एमसीक्यूज मैंने आपको कमेंट सेक्शन में इसका इजहार के लिए, बाकी तमाम एमसीक्यूज ठीक हैं, किसी को कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।